कोई सोच सकता था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज खरीदना और बेचना इतना ज्यादा आसान हो जाएगा? जी हाँ, वो एक चीज है जिसकी वजह से ये दोनों चीजें बहुत आसान हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन ट्रेडिंग की। ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसे आप ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, ये ऐसी वर्चुअल मार्केट प्लेस है जहां पे बायर और सेलर इकट्ठे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। ये चीज इतनी आसान पहले नहीं थी। आपको जाके कंपनी में, फैक्ट्री में जाके विजिट करना होता था और उसके बाद जो है वो बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना होता था। ये चीज वर्चुअली हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। इंटरनेट पर जाएं, एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो इस हवाले से बनाई जाती है, वर्चुअल मार्केट प्लेस का नाम जिसे दे दिया गया है। उसमें क्या होता है कि आपने एक वेब पोर्टल बनाया हुआ होता है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाले हुए होते हैं और उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है ऑनलाइन जिसमें आप बाइंग सेलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। इस तरह से आपके जितने भी बायर्स होते हैं उन सबका ट्रैफिक इन वेबसाइट्स पे आता है और वो जो आपके डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देख के वो फैसला करता है कि अब मैं इस चीज को खरीदूं। ये चीज बहुत तेजी से इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये बहुत तेजी से एंटर हो चुकी है, ना सिर्फ बल्कि इसका रेवोल्यूशन जो है वो अब पूरी दुनिया के ऊपर जो है राज कर रहा है। और ये रेवोल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से आया और जब हर चीज वर्चुअल हो रही है, डिजिटल हो रही है, तो क्यों ना बिजनेस जो जिससे पूरी दुनिया का मुआश और इकोनॉमिक्स चलती है, तो उस चीज को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये चीज भी आगे आई। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं इसके नेगेटिव असरात के, इसमें बहुत सारे ऐसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज आई हैं जो कि लोगों को डिसीव कर रही हैं, ब्लफ मास्टर के तौर पे उनके साथ धोखेबाजी कर रही हैं, दिखाती कुछ हैं और भेजती कुछ हैं, डिस्पैच कुछ और कर रही हैं। लेकिन जो नामी ग्रामी कंपनी है, जैसे कि मैं पाकिस्तान में अगर बात करूं तो दराज.pk जो है वो इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल है। ऑथेंटिक कंपनी है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ डाइवर्ट किया हुआ है, अट्रैक्ट हुए हैं काफी, और जो है हमें जो चीज वो डिस्प्ले करते हैं वही चीज हमें मिलती है। तो ये चीज इतनी आसान हो गई है कि आप घर बैठे अपनी चीज मंगवाएं, आपको 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। और ये चीज जो है वो अब लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं ऑफिस से आके, मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, बार्गेनिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बेहतरीन चीज है, एक बेहतरीन मार्केट प्लेस है जहां पे आप आसानी से अपनी मनपसंद चीजों को खरीद लेते हैं। एक चीज और कि इसमें जो है वक्त बचता है, पैसा बचता है, आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, अगर मैं बात करूं आप पेट्रोल लगा के या आप रिक्शे टैक्सी के अंदर जाके मार्केट जाते हैं, तो ये इन सब चीजों की जो है कॉस्ट रिडक्शन होती है। आपने बस जो चीज खरीदनी है बस उसके पैसे लग रहे हैं और कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा, तो इस हवाले से ये बड़ा बेनिफिशियल है। और जो अपना दूसरी फेक वेबसाइट्स कहूंगा, जाहिर है जो डिसीव कर रही हैं, मिसलीड कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं लोगों को, उनकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है इस हवाले से। लेकिन जहां तक मैं बात करूंगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बेहतरीन चीज है, एक बेहतरीन एवोल्यूशन कहूं, रेवोल्यूशन कहूं, जिसको लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंजप्शन हो रही है इस चीज के ऊपर, वेबसाइट पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक जो है सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ है इस वक्त। तो इस चीज को जो है वो हमेशा जारी रहना चाहिए, लेकिन कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो है फेक लोगों को दूर करना होगा इस चीज से, ताकि लोग आसानी से बिला खौफ व खतरा ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें।